top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Chairman Saab to go through Vanna Vasudevan's book also. She has written on Greater Noida. I think he will come to know not only thing about Greater Noida also. Just for your permission, sir. यहाँ सुबह से हम लोग देख रहे हैं बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली खासतौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा बहुत सी चीजें की जानकारी हम लोगों को मिली. मैं खुद यहाँ 1989 से हूँ 25 साल हो गए मेरा कार्य क्षेत्र ग्रेटर नोएडा का तो लिहाजा थोड़ा संक्षिप्त में ग्रेटर नोएडा के बारे में बताना जरूरी. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय हम वहां काम कर रहे थे तो हमारा जो दो मुद्दे हुआ करते थे उसमें क्योंकि ये गाजियाबाद के अंदर आता था. एक था लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा था कनेक्टिविटी. यहाँ के जो लोग थे वो आते थे दे नेवर यूज टू टॉक, यूज टू बार्ज इनसाइड द एचआर मैनेजर्स ऑफिस, दे यूज टू पैशन एंड दे यूज टू गिव देयर अ पेपर. ये है कितने लोगों को आप भर्ती कर लीजिएगा या ये ठेका जो है आपको इसको दे दीजिएगा. एंड स्क्रैप वॉज द बिगेस्ट वन. आई डोंट नो उसमें क्या है ऐसी क्या चीज है बट टिल डेट एक स्क्रैप का ऐसा चीज है कि जिसके लिए लोग यहाँ पे कई मर्डर्स हमारे ग्रेटर नोएडा में हो चुके हैं, कई कंपनियों में हो चुके हैं और कई कंपनियों में आए दिन गोलियां. तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा कनेक्टिविटी. मुझे याद है कि हमारे यहाँ जो लोकल चलता था वो गुजर में चलती थी और नोएडा को नोएडा ना कहते नोएडा कहते नोएडा 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 जिस तरह से वो नारे लगाते थे लोगों को बैठाते थे चलती थी वाया दादली होते थे. फिर हमारा बेटे नोएडा आ जाती 2 से 3 घंटे का सफर हुआ करता था. ये कनेक्टिविटी जो है बहुत मतलब मैं कहूंगा उस समय जो है ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या थी और जिन जो कंपनी अफोर्ड कर सकती थी ट्रांसपोर्ट उनकी लगी हुई थी तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आती थी और बिल्कुल 5 बजे सारी गाड़ियां काफिला लग जाता था और निकल जाता था. जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है नो टू डाउट अबाउट. अब समस्याएं हम लोगों की दूसरी है. उस जमाने में जैसे मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर का बताया इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्री मिल के रिक्वेस्ट की. हम लोगों ने वहां पर एक SSP ऑफिस खुलवाया 1996 में जिसका कि इनॉग्रेशन तब गवर्नर रूल था यहाँ पे मिस्टर वो मोतीलाल वोरा जी ने किया. हमने उनको अपने करीबन 40 पॉइंट दिए समस्याएं थी ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा की. उसमें से खास तौर पे हमने उनको जिक्र कर रहे थे कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है. कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल हमने उनको सबसे पहले इसके बारे में बताया दादरी जो स्टेशन है रेलवे क्रॉसिंग है वहां से बसें हमारी आती हैं ज्यादातर इंडस्ट्रीज की यहाँ क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रेटर नोएडा में थी और दादरी वॉज द हब एंड जो हमारे वर्कर्स हैं ज्यादातर दादरी एंड फेसिलिटी वहीं रह रहे थे. हमने कहा आमतौर पर हमारी बसें 1 घंटा लेट होती है 1 आवर इंटू 3 क्योंकि 3 शिफ्ट होता है तो इतना लॉस हमें होता है. इमीडिएटली ही अनाउंस्ड 45 लाख रुपीज फॉर द फ्लाई ओवर. आज तक फ्लाई ओवर का वहां नाम निशान नहीं आज तक कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ. तो ये सब समस्याएं तब थी तब की बात में और अब में काफी चेंजेस आ गए हैं. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चेयरमैन साहब भाई हमने जहां तक देखा है 1998 से बिल्कुल यहां का काम रुक गया. एक तरफ से चला लेकिन बहुत स्लो पेस में चला. ये 2008 और 2009 के बारे में बात जो है थोड़ा बहुत जो चेंजेस आया है और जो थोड़ा स्पीड लिया है ग्रेटर नोएडा ने एंड वेरी वेल सेड बाय आवर डियर फ्रेंड मदान देसाया. बट मैं अगर मैं इंडस्ट्री की तरफ से बोलूं तो फैक्ट तो यही हालांकि ये भी सत्य है कि ग्रेटर नोएडा को डेवलप करने के लिए चेयरमैन साहब ने बहुत कुछ काम किया और कर भी रहे हैं. बट मैं ये भी कहना चाहूंगा इस फोरम के माध्यम से इट हैज बिकम आपको पता चलेगा
एनीवे आज के प्रक्षेप में तीन श्रीयों पे इनफैक्ट चार होनी चाहिए थी. वन इज मैं सर को ये बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा में टोटल करीबन 3000 इंडस्ट्रीज है.